उदयपुर जिले की गोगुंदा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के रावलिया खुर्द के समीप अवैध डोडा चूरा की बड़ी खेप बरामद की, जिसमें पुलिस ने इसुजी गाड़ी से 45 कट्टों में भरा करीब 1,44,00,000 रुपए का 902 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया, लेकिन दो तस्कर मौके से भागने में सफल हो गए। थाना अधिकारी शैतान सिंह नाथावत ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना पर थाना क्षेत्र के रावलिया खुर्द व हथनियावल के बीच नाकेबंदी की गई। इसी दौरान हथनियावल की ओर से एक सफेद कलर की इसुजी गाड़ी तेज रफ्तार से आते हुए दिखाई दी, जिसे पुलिस ने रुकवाने की कोशिश की, लेकिन चालक गाड़ी को तेज गति से भगाने लगा, जिस पर पुलिस ने कई किलोमीटर पीछा किया तो गाड़ी में सवार चालक व एक अन्य युवक गाड़ी को रोड किनारे छोड़कर जंगलों में फरार हो गए। पुलिस ने तस्करों का पीछा किया लेकिन हाथ नहीं आए, जिसके बाद गाड़ी की तलाशी के दौरान गाड़ी में अवैध डोरा चूरा होना पाया गया, जिस पर पुलिस ने मौके पर अवैध डोरा चूरा का वजन किया तो करीब 45 कट्टों में 902 किलो अवैध डोरा चूरा होना पाया गया। वहीं पुलिस ने बताया कि इसकी बाजार कीमत करीब 1,44,00,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने गाड़ी व डोरा चूरा को जब्त कर थाने लाया गया, जहां पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अज्ञात तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। इस दौरान कार्रवाई में थाना अधिकारी शैतान सिंह नाथावत, हेड कांस्टेबल पवन सिंह यादव, कांस्टेबल परमार सैनी, कांस्टेबल योगेंद्र सेन, कांस्टेबल शिवराज चौधरी, कांस्टेबल प्रदीप कुमार, कांस्टेबल राजेंद्र कुमार, कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह व नारायण सिंह सहित टीम मौजूद रही। वहीं कार्रवाई में हेड कांस्टेबल पवन सिंह यादव व कांस्टेबल शिवराज चौधरी की अहम भूमिका रही। थाना अजय की टीम द्वारा गत रात्रि को डोडा पोस्ट की इसुजी गाड़ी को पकड़ा गया, टायर को ब्रश करके। मौके से दो अभियुक्त फरार हो गए थे। मौके पर ही सारी सीजी की कार्रवाई हुई, गणना की गई तो 25 करीब 45 कट्टे डोडा पोस्ट से भरे हुए पाए गए। साथ ही मौके पर ही वीडियोग्राफी फोटोग्राफी 105 DNSS की पालना की गई और कुल जो मात्रा है वो करीब 902 किलो 400 ग्राम है। आगे अनुसंधान रोहन सिंह राजावत थानाधिकारी बोटे उल्लास को दिया गया, उच्चाधिकारियों का अग्निम अनुसंधान जारी है। लोकल न्यूज वीडियो के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब ऐप।